गर्मी की तपिश के बीच चुनाव की तपिश भी है, पर चुनावी तपिश आज थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। लगभग डेढ़ महीने तक चले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज थम जाएगा। चुनाव के सातवें चरण में देश की 8 राज्यों की 57 सीटों पर 1 जून को वोट डाले जाएंगे। झारखंड की 3 सीटों दुमका, गुड्डा और राजमहल सीट पर 1 जून को मतदान होना है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य बिहार की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि झारखंड की 3 सीट पर मुकाबला किन दो दिग्गजों के बीच का है। तो राजमहल से ताला मरांडी, वहीं विजय कुमार चुनावी मैदान में है। सीता सोरेन और नलीन सोरेन इस बार चुनावी मैदान में है और गोड्डा से निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच का मुकाबला है। ताला मरांडी बीजेपी से और विजय कुमार जेएमएम से इस बार चुनावी मैदान में है। दुमका से सीता सोरेन जो बीजेपी में है और नलीन सोरेन के बीच का मुकाबला निशिकांत दुबे बीजेपी से, प्रदीप यादव कांग्रेस से हैं जो चुनावी मैदान में है। तो अब से थोड़ी ही देर में प्रचार का शोर थम जाएगा और इस तीनों ही सीट पर चुनाव के लिए तमाम दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और रांची से इस वक्त सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए थोड़ी ही देर में प्रचार का शोर थम जाएगा, 1 जून को वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले किस तरह का हलचल वहां देखा जा रहा है? चूंकि जनसभाएं एक के बाद एक ताबड़तोड़ हुई है, क्या माहौल वहां? हाँ बिल्कुल रश्मि, देखिए अब से कुछ ही मिनटों बाद जो है प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा, यानी कि भोपाल से जो प्रचार प्रसार होते थे या जनसभाएं होती थी, चुनावी सभाएं होती थी, वो अब बंद हो जाएंगी। देखिए ये 3 सीटों पर संथाल की जो 3 सीटें हैं, यानी कि संथाल जो झारखंड की राजनीति संथाल में शिफ्ट हो गई थी और तमाम बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो संथाल में देखे जा रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए, वो वहां उपस्थित रहे, उन्होंने जनसभाएं की। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के तरफ से भी राहुल गांधी हो या फिर कल्पना सोरेन की बात हो, कई नेता जो है प्रियंका गांधी की बात हो, ये वहां पर कैंप करते हुए देखे गए, यानी कि उन्होंने भी जनसभाएं की, चुनावी सभा की और अपने अपने पक्ष में वोट की अपील भी की। लेकिन देखिए आपने जिक्र भी किया कि दुमका से जो है, यानी कि दुमका की सीट हो या राजमहल की सीट हो या फिर गोड्डा की सीट हो, अगर राजमहल की बात की जाए तो राजमहल से विजय हांसदा हैं और दूसरी ओर विजय हांसदा के अगेंस्ट में ताला मरांडी दिख रहे हैं। विजय हांसदा की 2019 में जीत भी हुई थी और इस बार भी वो आश्वस्त दिख रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन आश्वस्त दिख रही है कि इस बार भी बाजी जो है, यानी कि संथाल की सीट जेएमएम का गढ़ रही है, तो क्या इस बार जेएमएम अपना साख बचा पाएगी, क्या उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है? ऐसे में ताला मरांडी को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। देखिए ये चुनाव जो है ये त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ निर्दलीय विधायक, चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही विधायक रह चुके बात की जाए लोबिन हेमरम की, तो वो वहां पर अगेंस्ट में, यानी कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। दूसरी ओर दुमका की बात की जाए, यानी कि दुमका से सीता सोरेन है और नलीन सोरेन है। सीता सोरेन जो जेएमएम की ही नेत्री रही थी लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और यही वजह रही कि भाजपा ने उन्हें बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा, तो नलीन सोरेन के अगेंस्ट में सीता सोरेन है। दूसरी ओर गोड्डा से अगर बात की जाए, यानी कि गोड्डा से निशिकांत दुबे और प्रदीप यादव के बीच में कड़ी टक्कर है, तो ऐसे में मुकाबला देखिए, निशिकांत दुबे 2019 में भी उनकी जीत हुई थी और कई ऐसे कार्य जो है वो निशिकांत दुबे गिना भी रहे हैं, क्योंकि देवघर में एम्स का जो कार्य है यानी और एयरपोर्ट का जो कार्य है वो लगभग पूरा हो गया, यानी कि वहां के लोगों को उसकी सुविधाएं अब मिल रही है, तो उपलब्धियां गिनाने के लिए है। लेकिन गोड्डा से दूसरी ओर प्रदीप यादव जो है वो यह कह रहे हैं कि इस बार एनडीए का किला जो है वहां से उखाड़ेंगे, तो ये देखने वाली बात होगी। देखिए संथाल की जो राजनीति है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि जेएमएम के जो विधायक हैं वहां से वो अधिक हैं,
तो ऐसे में जेएमएम इस बार बाजी मारेगी, यानी कि इंडी गठबंधन बाजी मारेगी। लेकिन दूसरी ओर एनडीए का भी दावा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभाएं की है वहां पर हवाएं बदली हैं, यानी कि रुख बदला है, तो हम वो तीनों सीट जीतेंगे। तीनों सीट के साथ ही देखिए झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीट है, तो ऐसे में इनका दावा है कि पिछली बार हमने 12 सीटें जीती थी और इस बार 14 की 14 सीटें जीतेंगे। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में दावा कर रही है कि हम 14 सीट जीतेंगे। लेकिन देखिए अभी भी आपने कहा कि कुछ मिनटों बाद जो चुनावी प्रचार का शोर है वो बंद हो जाएगा, लेकिन नेताजी डोर टू डोर जो है वो कैंप करेंगे, यानी कि डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क कर सकते हैं, लोगों से अपने पक्ष में मतदान की अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन से नेता जो है वो कितना जनता के मन में घर कर पाते हैं और जनता उन्हें 1 तारीख को किन समर्थन देती है, यानी कि जब बटन दबेगा, जब वो अपना मतदान करेंगे तो किन नेताओं पर ज्यादा विश्वास और भरोसा। बिल्कुल रुचि, और कई ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनकी साख दांव पर है, जिसमें सीता सोरेन की हम बात करें, निशिकांत दुबे हैं, प्रदीप यादव हैं, तो कई बड़े चेहरे भी हैं जो इस बार आखिरी चरण में चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चलिए बिल्कुल रुचि, देखिए सभी के दावे अपने अपने हैं, फिलहाल जीत किसकी होती है और किसके सिर जीत का सहरा सजता है ये देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए।